ये जो है मैसूर सिटी कॉरपोरेशन मैसूरू है, और यहाँ पे बाहर में जो कर्नाटका का एम्बलम है गंधवेरंदु, तो वो भी बना हुआ है मेटलिक। यहाँ के लाइट्स भी जो है वो भी कितने सुंदर बने हुए हैं, और जो सिटी कॉरपोरेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। ये जो मैसूर सिटी कॉरपोरेशन वाला जो बिल्डिंग है, इसको भी 1921 में कृष्णराजा वाडेयर फोर ने कमीशन किया था, तो वही ऑलमोस्ट सिमिलर मैसूर पैलेस जब कंप्लीट हुआ था उसी के एक साल पहले ये कंप्लीट हुआ था। रैंडम ट्रॉटिंग कर रहे हैं अभी मैसूर में फुटपाथ्स में। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है मैसूर ब्रांच, वो भी महल जैसा ही है दिखने में। टाइपराइटर का जो है वो अभी भी चलता है। अभी हम जिस गली से गले गुजरे थे वो अभी जगनमोहन पैलेस की तरफ जाता है। वहाँ पे हम लोग 4-5-6 ऐसा कुछ एक साथ टाइपराइटर देखे, जो टाइपराइटर पे लोग टाइप कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई दे आर स्टिल यूजिंग दिस, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज कम्फर्ट ऑफ द टाइपिंग, उस वजह से होगा, क्योंकि दे आर कम्फर्टेबल इन द टाइप राइटर रेदर देन द न्यू कीपैड, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। हम लोग जगनमोहन पैलेस से निकल गए, यहाँ पे एक मैसूर होटल बोल के एक था, तो वहाँ पे हम लोगों ने चिकन स्पेशल खाया, पराठा राइस और चिकन, और अभी हमने उबर बुक कर लिया है सेंट फिलोमेनास। चर्च का नाम क्या बोला था, सेंट फिलोमेनास, हाँ सेंट फिलोमेनास, सेंट फिलोमेनास की तरफ जाएंगे, जिसको सेंट कैथेड्रल भी बोलते हैं, जो सब कैथेड्रल, तो उसी की तरफ जाएंगे। हम लोग सेंट फिलोमेनास पहुँच गए थे, मैसूर होटल से खाना खा के अभी सेंट फिलोमेनास पहुंचे। काफी टॉल है, वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डर ऑफ सेंट फिलोमेनास चर्च। सो बियॉन्ड दिस लाइन अभी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, हम लोग चप्पल रख के अंदर जाएंगे। तरफ से अंदर आए थे और कुछ यहाँ पे एग्जिट लिया है, फिर से हमने जाना पड़ेगा चप्पल लेने के लिए, फिर एक आध फोटो लेके फिर चले जाएंगे। मस्ट विजिट प्लेस इन मैसूर। तो मेरे को उबर मोटो में सिर्फ 40 रुपया, बेसिकली 39 रुपीज़ लगा
यहाँ तक पहुँचने के लिए फ्रॉम जगनमोहन पैलेस, फ्रॉम मैसूर पैलेस जगनमोहन पैलेस मैंने पैदल चल लिया था। सो डैट इज़ नथिंग बट ए आर्ट गैलरी, उधर से इधर आना है। वो ऑलमोस्ट फॉर ऑटोज 80 रुपीज़ लेता है, बट यहाँ पे मेरे को 40 रुपीज़ में हो गया। हम लोग अभी यहाँ से एग्जिट ले चुके हैं गेट पे, और बाहर एक कप चाय पी के सोचेंगे अभी क्या करना है। हवा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, धूप है लेकिन हवा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बाल भी बिखर चुके हैं। जस्ट चर्च के ऑपोजिट साइड में एक चाय की टपरी दिख रही है, तो यहाँ भीड़ भी है काफ़ी ज़्यादा, तो एक कप ट्राई करेंगे ज़रूर। 100 मीटर वॉक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे बिरयानी वगैरह की दुकान है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, तो वहीं पे हम लोग हैं। लेकिन ना मैंने अभी तक अभी लंच कर लिया है, तो यहाँ पे सुना एक वॉकिंग डिस्टेंस में मस्जिद भी है, तो मस्जिद होके जाते हैं। यहाँ से ज़ू भी पास पड़ता है, लेकिन द थिंग इज़ डैट ज़ू ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में सेम ही होते हैं। वी हैव रिसेंटली वेंट टू जम्मू ज़ू, वहाँ पे भी अच्छा ही लगा था, लेकिन द थिंग इज़ डैट अभी टाइम इतना बचा नहीं है, तो थोड़ा सा मस्जिद के पास रुकेंगे, उसके बाद स्टेशन की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये है मस्जिद आजम, तो यहाँ से हम लोग अभी मस्जिद आजम में नमाज पढ़ के निकल चुके हैं। यहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे बेंगलोर का एंड, और पहले मैसूरू जंक्शन जाना पड़ेगा, वहाँ से हम लोग को मिलेगी बेंगलोर का एंड के लिए ट्रेन। तो ये था मस्जिद आजम, तो चलते हैं स्टेशन की तरफ। सो हियर वी आर एट मैसूर जंक्शन। मैसूर जंक्शन में अभी हम लोग ट्रेन पकड़ के बेंगलुरु कैंट तक जाएंगे। सो डेट्स ऑल फ्रॉम द मैसूरू वीडियो, होप ज़्यादा लंबा नहीं हुआ हो, और फिर मिलेंगे कहीं और किसी और जगह पे। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल टू सब्सक्राइब द चैनल, टू लाइक द वीडियो, टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और डोंट वेट फॉर द अदर वीडियोज बिकॉज there are already very much videos on the channel, so do watch those videos for the time being. ek minute baki hai, abhi hum log train ki taraf badh rahe hain। दो डब्बा और आगे बढ़ रहा है, उसके बाद हम लोग का डब्बा जाएगा।